टू माय चैनल, दिस इज आई एन एफ क्रिएटिव। तो सिंपली आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मोशन एडिटिंग करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत इजी स्टेप है। तो सिंपली आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कटआउट करने वाला हूँ। सिंपली हम लोग को फुल कटआउट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को हाफ कटआउट चाहिए। तो एज अ सिंपली स्टेप बाई स्टेप फॉलो करिए मेरे को। तो मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो फास्ट बनाने वाला हूँ यहाँ पे। और सिंपली हम लोगों ने सिलेक्शन कर चुके हैं, गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिलेक्शन हो चुका है। तो उसे हम लोग कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हाफ सिलेक्शन हो गया है। हम लोग को मोशन मोशन एडिटिंग में आपको हाफ ही चाहिए, एक्चुअली ये स्टाइलिश है। तो सिंपली मैंने स्टाइलिश मेरा आइडिया से थ्रोट से डाला है। तो सिंपली कंट्रोल जे ऐसा देख सकते हैं, एक्चुअली आधा ही बचा हुआ है। तो ऐसा सिंपली आप देख सकते हैं इसमें हाफ है। सिंपली आप ये देख सकते हैं, वी प्रेस करते हुए आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, रिमूव करके नीचे लेके आ सकते हो। एज अ सिंपली अभी मैं इसको देख सकते हो बैकग्राउंड का पीछे डाल दिया है। तो सिंपली अभी हम लोग को दिखने में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। तो एज अ सिंपली हम लोग बैकग्राउंड को नीचे लेके आके हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा अंदर डाल देंगे यहाँ पे। सिंपली आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो सिंपली इसको मैं लॉक कर देता हूँ, लेयर को लॉक करने से हम लोग इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इसमें मैंने एक बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था, तो ये सिंपली यूज नहीं होगा। हाफ है तो सिंपली नेम लिख देता हूँ हाफ, बैकग्राउंड रिमूव है। तो सिंपली इसको हम लोग और कॉपी लेंगे। तो सिंपली वी प्रेस करते हुए मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सिंपली राइट क्लिक करते हुए आप डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद एक और लेयर आ जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं। फिर से एक रिमूव कर सकते हैं, एक और रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपली हम लोग दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। एज अ सिंपली आल्ट प्रेस करते हुए लेयर को अप एंड डाउन कर लीजिए, अप एंड डाउन कर लीजिए, ऐसा आपको लेयर बहुत सारा हो जाएगा। तो सिंपली आप जितना जितना क्लियर जहाँ पे जिस लेयर को आप क्लिक करोगे वहाँ पे वो रिमूव होता ही जाएगा, रिमूव होता ही जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूविंग होता ही जा रहा है। ऐसा सिंपली अगर मैं यहाँ पे BG2 में क्लिक कर रहा हूँ तो वो लेयर को आप कहीं पर भी लेके आ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सिंपली अभी हम लोग के पास मोशन या फिर मोशनिंग जैसा बहुत मल्टीटास्क लोग इसको फर्स्ट लेयर को ऊपर लेके आते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट लेयर ऊपर आ गया, तो थोड़ा दिखने में अच्छा दिख रहा है, मोशनिंग हो रहा है जैसा। तो एज अ सिंपली हम लोगों ने यहाँ 6-5 लेयर्स है। तो सिंपली और मैं इसमें इसको क्लिक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा रिप्रेस करते हुए आप ले सकते हैं। रिप्रेस करने के बाद रिप्रेस करते हुए आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आने से थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी चला गया है। तो एज अ सिंपली अभी दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो सिंपली मैं इसको जितना चाहिए उतना एडजस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग को सिंपली बेसिकली हम लोग को दिखने में अच्छा लगना चाहिए ऐसा ही। हम लोग को सिंपली इंस्टाग्राम पे यही एडिटिंग टेक्निक चल रहा है। और एज अ मैं इसको पूरा सेलेक्ट करते हुए इसको ग्रुप कर देता हूँ। तो सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करते हुए ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करते हुए ग्रुप कर दिया है मैंने। देख सकते हैं ग्रुप हो चुका है। तो इसमें मैं सिंपली अभी कुछ एडजस्टमेंट और थोड़ा सा ऑपेसिटी चेंज कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी की मोशन होके ऐसा आ रहा है जैसे लाइक डांस करते हुए वो स्टाइल। तो वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और